धक्का लगा रहा हूँ, कुछ मत करना, ये तो नाराज हो जाएंगे। गुल्लू, तू सुबह सुबह भगवान को मस्का क्यों लगा रहा है? नारी अर्धांगिनी कन्या कुमारी। गुल्लू हिंदी में बोल, तू जानता है ना मैं अंग्रेजी नहीं जानती। दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे गुल्लू, तू और शादी? अरे कुछ दिन पहले तू शादी के नाम से ऐसे भागता था जैसे डीडीडी के नाम से मच्छर। जमाना बदल गया, मेरा मूड भी बदल गया, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। दीदी कैसे भी करके मेरी शादी करवा दो ना। अरे गुल्लू, लेकिन तेरे जीजा जी ने कसम खा रखी है कि तुझे जिंदगी भर कुंवारा रखेंगे। हाँ, तू भी यही चाहती है? मुझे मालूम है क्यों चाहती है, फोकट का नौकर जो मिला है। हाय राम, कौन सा काम करवाती हूँ मैं तुझसे? क्या नहीं करता मैं, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, उसके बाद नाश्ता, कितना काम करता हूँ मैं अपना। तो मालूम है आप यही चाहते कि मैं जिंदगी में कुंवारा रहूं, मेरी घर गृहस्थी रहे बसे और मैं कभी खुश ना हूं। तो मालूम है। नहीं गुल्लू मेरे भाई, तू रोना नहीं, मैं तेरी शादी करवाऊंगी, देखती हूँ कौन उल्लू का पट्टा आता है हमारे रास्ते में। कैसा लगा इमोशनल ब्लैकमेलिंग? ठीक, एक ही घर में काम। शादी के बाद मैं हनीमून के लिए कहाँ जाऊँ? हाँ दार्जिलिंग, नहीं बहुत ठंड होती है, राजस्थान। चल चल शादी का इश्तेहार लिखते हैं। हाँ दीदी, वो इश्तेहार लिखना जरूरी है क्या? तूने कौन सा कद्दू में तीर मार के रखा है कि लड़कियों के बाप तुझ पे भिन भिन आएंगे। हाँ ये भी सही है, इतना लिखेंगे, लिख ले। चल उमर, उमर 16 चल चलेगी? 16? तेरा मुंह देखने के बाद लड़की वाले कहेंगे भैया आपने अपनी उम्र लिखी है या अपने बेटे की। ठीक है 25 लिखना। 25? नो बार्गेनिंग, 25 मींस 25। चलना 25 ले। कॉम्प्लेक्शन ब्राउन, शाइनिंग लिखे। हाइट 5.2, बाजू 36, कमर 32 एंड अरे गुल्लू, तू शादी का इश्तेहार लिखवा रहा है या दर्जी को नाप दे रहा है? आमदनी का जरिया जीजा जी का पॉकेट। तब भी मैं कहूँ, जब भी मैं तेरे जीजा जी के पॉकेट में हाथ डालती हूँ मुझे सिर्फ चवन्नी क्यों मिलती है? क्या है दीदी, मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। जब तू जीजा जी के पास चोरी करने जाओगी तो तेरे हाथ में कुछ लगना चाहिए ना, इसलिए चाराना आटाना रख देता हूँ मैं। चल आगे लिख। एक नौजवान खूबसूरत लड़के के लिए। हेलो, माँ ने क्या सिखाया था भूल गया क्या? झूठ बोलना पाप है। अरे लेकिन बोल का रहे, हम तो लिख रहे हैं। हाँ, लिख। ऐसे ऐसे लड़के के लिए एक खूबसूरत होशियार लड़की चाहिए। उम्र 16 साल। 16 साल? 16 साल की नहीं मिली तो 8-8 की 2 चलेगी। 4-4 की 4 नहीं चलेगी? लच्छो, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे क्या नाम शराब लिखा हुआ है? इस खूबसूरत गठीले फुर्तीले और तेज तर्रार जवान लड़के को एक सुनहरी लड़की की शीघ्र आवश्यकता है। संपर्क स्थल PO Box 007.5। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? इस चमगादड़ के नीचे तुमने खूबसूरत लिखा हुआ है? क्यों किसी भली लड़की को इसके पल्ले बांध के उसकी किस्मत बिगाड़ रही हो तुम? मेरी शराफत को मत ललकारो। गीदड़ ललकार सुनने के बाद भी सिर्फ कू कू करके रह जाता है, क्या शराफत है तुम्हें? जरा सुनू तुम्हें। अच्छा गेट में हाथ डालो। जेब में हाथ डालो। अरे सिर्फ 10 रुपए, 100 रुपए कहाँ गए? मैंने चुराए, लेकिन मेरी शराबत देखो, शराबत देखो, मैंने 10 रुपए छोड़ दिए। क्यों? आपको क्लिनिक जाने के लिए, बस के भाड़े के लिए। शाबाश शाबाश। अरे अरे बेरहम, बेशरम, मर्दूत, मेरी चाय के लिए भी पैसे नहीं छोड़े तूने मेरे। अभी ज्यादा कुछ बोला ना तो भांडा फोड़ दूंगा। क्या भांडा फोड़ेगा तू? मैं जरा सुन। ओ सीता, ओ गीता, ओ मीना, ओ हीरा। ओ गुल्लू, गुल्लू तू तो मेरे छोटे भाई की तरह है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शादी वादी में कुछ नहीं रखा। शादी के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, बिल्कुल जानवर हो जाता है यार। अच्छा, इसलिए आप दीदी के पीछे दूम हिलाते घूमते हो? खूबसूरत फुर्तीला, क्या क्या। यस बेटा, बेटा, बेटी, बेटी, फोटो कैसा छोरा नहीं लग रहा है? ये फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट है। और आप
आप इन्हें कलर में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही ना। अजीब मुसीबत है भाई, आपको अखबार पढ़ने के लिए मेरा ही दरवाजा मिला क्या? अखबार पढ़ना है तो लाइब्रेरी में जाइए, प्लेटफॉर्म पे जाइए, पटरी पे बैठ जाइए, चले जाइए जाइए। चिल्ला क्यों रहा है बेटा, बोल रहा है काट रहा तू? वो काटा कुटी में क्लिनिक में करता हूँ, समझे, यहाँ से बोल रहा हूँ, चलो निकलिए। बदतमीज, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। अरे तो मन ने कौन सी तेरे से शादी करनी है, मैं तो शादीशुदा हूँ, दिखने रहा शक्ल से कितना दुखी हूँ। शर्म नहीं आती शादी करने के बाद उतार देता तू? अरे 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 संदी जी अंदर आइए। आप तो गलत आदमी से भिड़ गए, लड़का तो अंदर है, मेरा भाई गुल्लू, ये तो मेरे सेवक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? स्वामी राज। कोई बात नहीं बीबी। ओए बीबी बीबी क्या लगाया, मेरी बीबी है वो, मैं उठा के ले जा रहा हूँ इसके। उठाने की कोशिश तो कर, स्लिप डिस्क हो जाएगा। अरे दीदी कौन आया है? अरे नमस्ते जी। नमस्ते, ये है तेरा लल्लू। लल्लू नहीं गुल्लू, शकल से तो नहीं लगता, सेकंड हैंड है के? ये तो बचपन से कुंवारा है। हाँ, कुंवारा है तू, शकल से नहीं लगता। आप मेरे भाई को ऐसा वैसा मत समझिए, वो लाखों में एक है। हाँ, ऐसा नमूना तो सदियों में एक बार पैदा होता है, क्योंकि हमारी जो धरती माँ है ना, एक से ज्यादा एट ए टाइम बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। जब वो बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं और सर पे ओले पड़ रहे हैं। वो पढ़ने में तो इतना तेज है, इतना तेज है कि स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राज तुम अंदर जाके गुल्लू की मदद क्यों नहीं करते? नहीं, एक नौकर काफी है। लड़का बहुत काम काजी लग रहा है। हाँ, अरे ये पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, गुल्लू ने बनाए, ये पर्दे भी गुल्लू के सिले हुए हैं, ये सोफा और हाँ ये टेबल की। कितना झूठ बोलती हो तुम, ये सब तो मेरी मेहनत और पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा के तुमने खरीदा है। और उसका स्वभाव भी इतना अच्छा है, बिल्कुल मेरी तरह, बहुत प्यारा स्वभाव है, देखिए। ये सब इनके प्यार की निशानी है। देखो पिताजी, सारे लक्षण मिलते हैं। चाय मैंने बनाई, बिस्किट भी मैंने बनाए, आदत ही हो गई है। ससुर जी चाय लीजिए, आप भी लीजिए। तुम दोनों अकेले में बात क्यों नहीं करते? हाँ चलिए ना, मेरे पास बहुत बिस्कुट है। सेठ जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? एक अजनबी आदमी आपकी इकलौती बेटी को कोने में ले जा रहा है और आप देख रहे हैं आपकी गरज फड़फड़ाती नहीं है। नहीं जाएगी छोरी, यहीं खड़ी रहेगी। नहीं, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, कुछ नहीं होगा। गुल्लू तुम जाओ, चलिए ना जेब में। चली जा, वो तो सब ठीक है जी, मन वो बताओ कि छोरो कमावा क्या? अरे वो ये है सेठ जी कि छोरा की जो कमाई है ना, वो मेरी कमाई से जुड़ी हुई है। मतलब ये है कि जब मेरी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो मेरी खूब कमाई होती है, और मेरी खूब कमाई जब मैं जेब में डालता हूँ तो ये बखूबी निकाल लेता है। मैं पूछा हूँ उसकी मेहनत की कमाई क्या है? अरे लो कर लो बात, अरे चोरी करना भी तो मेहनत की कमाई है ना, क्यों जी? बोलो, पेपर में छपा था कि छोरा 5,000 रुपया महीना कमावा है। अरे इतना तो मेरी जेब से निकाल ही ले हुए है। चोरी का खर्चा कैसे चलेगा भाई? लो तुम्हारी दौलत किस दिन काम आएगी भाई? मेरे होने वाले ढेर सारे बच्चों की अम्मा, मैं तुम्हारे मुंह से गन्ने के जूस जैसे मधुर आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूँ, कुछ तो बोलना। गुल्लू सुजाता। गुल्लू तुम्हारी आवाज तुम्हारे डैडी जैसी कैसी हो गई? डरो मत, कभी कभी हो जाता है। अच्छा हाँ, वन मोर ट्राई। ओ गुल्लू, ये तो हमेशा के लिए हो गई। पालो, तू मैंने गुल्लू समझ रहा है क्या? हाँ, नहीं कमाई के नाम पे तू पकड़ है, और मेरी गुलाब की जैसी छोरी के साथ शादी करेगा? अरे तू आपको गलत फहमी हो गई है सेठ जी, मैं जल्दी काम पे लगने वाला हूँ, वैसे मैं चेहरे से होनार नहीं लगता। बीमार लग रहा है तू। देखो ससुर जी, ठीक है अगर अकबर बादशाह अपने नूरजहां के लिए ताजमहल बना सकता है। ओ गुल्लू क्या हो गया तुझे? क्या ताजमहल अकबर ने नहीं महमूद गजनी ने बनाया था? हिस्ट्री भी वीक है इसकी। जीजा जी मुझे टोको में तो डायलॉग भूल जाऊंगा। अगर महमूद गजनी अपने नूरजहां के लिए ताजमहल बना सकता है तो मैं अपने सुजाता के लिए झोपड़ी नहीं बना सकता। महमूद गजनी अगर ताजमहल बनाया
तो साजा ने क्या बनाया जी? राजा भाई टावर। राजा भाई टावर। वो छोड़िए, आप शादी तुड़वा रहे थे, शादी। मोहम्मद गज ने जब ताजमहल बनाया था, जमीन के भाव 1 acre 22 paise थे। अरे अभी आदमी को झोपड़ी बनाने के लिए अपनी पैंट बेचना पड़ता है। रन सेठ जी, इसकी पैंट आपकी हो गई, हमारे गुल्लू का क्या? तो टावर में भी घूम सकता है। पिताजी मान जाइए ना। अरे पैंट का क्या करूंगा मैं? चल सुनो, अरे मेरे मोहम्मद से मुझसे जुदा मत करो। जुदा मत करो नहीं, जुदा हो गई। अच्छा हुआ, चलो बिचारी की जिंदगी बर्बाद होने से रह गई। काश मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता। दीदी, तेरी मोहब्बत में ये दिल दीवाना हो गया, तेरी मोहब्बत में ये दिल दीवाना हो गया। बदन से बदबू आती है, नहाए जमाना हो गया। अबे ओ मनहूसियत की मूरत, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? हा? अकल से तो फक्कड़ था, शक्ल से भी दिखने लगा। अरे इतनी सारी चाय, इतनी सारी चाय क्यों पी रहा है तू? मोहब्बत के मारे गम भुलाने के लिए शराब पीते है, जो शराब नहीं पीते वो यारो चाय पे काम चला लेते हैं। वाह 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 मिर्जा गालिब, वाह, पियो चाय पियो, लेकिन पेट में दर्द होगा ना तो मुझे मत बोलना, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। हाय हाय, मेरे भाई की हालत तो देखो। राज तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे प्यार का बुखार चढ़ा है, जिसको उतारने के 2 ही तरीके हैं। क्या? वो एक तो वो सुजाता को बुलाया जाए, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं आने नहीं दूंगा, और दूसरा वही अपना वो लैला मजनू वाला पुराना। कौन सा? अरे भाई जब मजनू पे लैला के पैर का भूत सवार हुआ था ना, तो लोगों ने उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके ये मोटे मोटे पत्थर मारे थे, मजनू ठीक हो गया था। तुम कहो तो वही तरीका इस्तेमाल करें इस पे। गुड आइडिया, अच्छा रहेगा। कोई पत्थर से ना जी, नहीं, 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 मेरे सर से इसका भूत उतर गया। लगता है मेरे मोहब्बत के पिक्चर का ट्रेजेडी एंड होने वाला है। दीदी ऊपर जाने के बाद तेरी बहुत याद आएगी, काश तुम मेरे साथ चलती। तू क्या कर रही है? कंकड़ से दाल निकाल रही हूँ। ये दाल में भी इतनी मिलावट है, पता नहीं दाल में कंकड़ है या कंकड़ में दाल है। अब तो लोगों ने पॉइजन में भी मिलावट कर दी है। आदमी तो क्या खटमल भी नहीं मरेंगे। पॉइजन से मरने के चांस नहीं है? नो चांस। तो आइडिया कैंसर। दीदी मैं उस प्लग में उंगली डालू क्या? ऐसे मत करना। क्यों? फ्यूज उड़ जाएगा पूरे घर का। तो अच्छा तरीका बताना सुसाइड करने का। आजकल तो एक ही तरीका सेफ है। कौन सा? कमरे में जाने का, अंदर से बंद करने का और पंखे से लटक जाने का। बस के पीछे भागना भी एक आफत है। हाय लच्छो। हाय। हाउ आर यू? क्या बात है, गुल्लू नजर नहीं आ रहा? होगा यहीं कहीं। राज आज है ना, बहुत दिनों बाद उसने मुझसे बहुत प्यार से बातें की। अच्छा, क्या कह रहा था? सुसाइड करने के तरीके पूछ रहा था। अच्छा तुमने बताया ना? मैंने बताया। मैंने कहा कमरे में जाके दरवाजा बंद करके पंखे से गुल्लू। अरे लेकिन हुआ क्या? गुल्लू गया। अच्छा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। गुल्लू अबे साले बाहर आ, मेरा मतलब साले साहब बाहर आइए, वरना खुदकुशी का इल्जाम मेरे सर लग जाएगा। मैं नहीं आऊंगा। ओहो गुल्लू मेरे भाई, जल्दी बाहर आ जा। जब तक मेरी बीवी सुजाता नहीं आती तब तक मैं नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई मेरी बात तो सुन, तू बाहर तो आ जा, फिर तेरी बीवी तो क्या, मैं पड़ोस की बीवी भी उठा लाऊंगा तेरे लिए। अरे पहले बाहर आ, बाहर आ। दीजा जी, ये पंखा इतना ऊंचा क्यों लगाया? ये नहीं सोचा कि सुसाइड करने वाले को कभी काम आएगा। गुल्लू गुल्लू मेरे लाल, मेरे पीले, गुल्लू मैं नहीं आऊंगा बोला ना। पिताजी के लिए घर पे एक चिट्ठी भी छोड़ी है। मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ।
मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारा हूँ। तुम क्या जानो गुल्लू, मेरे ऊपर कितने सारे पहरे लगे हुए थे। अच्छा, काश तू परी होती और मैं परा। शादी से पहले सब यही कहते हैं, काश तू परी होती, और शादी के बाद कहते हैं क्या मालूम है, काश तू पराई होती। तू यहाँ भाग के आई कैसे? मैं अभी तेरे डैडी को फोन करके उनको बुलाता हूँ, बेटी भाग के आई है यहाँ पर, लगा क्या रखा तुम लोगों ने। राज, तुम इनकी प्रेम कहानी में विलेन मत बनो। बहुत दिन से खाना नहीं खाया मैंने। खिलाओ खिलाओ, ये लो ये लो, खा ले बच्चू, खा ले खा ले, सेब धना धन। थोड़ी देर में पता चलेगा आपकी शान में मैंने क्या क्या बंदोबस्त किया है। जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ क्यों नहीं। सुजाता, हमारे सुजाता को था है। तुम्हार सुजाता एकाने। सुजाता, तुम एकाने? তুমি আমার সঙ্গে ভালোবাসার নাটক করলে, এখন ইস লড়কে কে সাথ বিয়ার কা নাটক নাচতা হ্যায়? কি বলছো তুমি? লজ্জা করলে তোমার? এ তুই কি বকতে রে? বক নহীं রহা হাম, নহীं বক রহা হ্যায়। ইয়ে লড়কি আমার সাথ বিয়ার কা নাটক কিয়া, আব তোমারে গলা মে পড় রহা হ্যায়। ওরে কি বল রহা হ্যায়? পতা নহীं ইয়ে কি বল রহা হ্যায়, লেকিন জরুর ঝুট বল রহা হ্যায়। ওয়ে ওয়ে ওয়ে, ওই মেরি সুজাতা, ওই সুজাতা, এ মে কি শুন রিয়া হ্যায়? इस बंदर नाल इश्क लड़ा रही भैया। ये क्या बक रहे हो? हैं? मैंने बकरा की ना? गुल्लू, तू ऐसी लड़की से शादी करेगा? सुजाता, आगे सुजाता, आगे काय करूं रही तू? अरे इस मर्द मराठे के साथ लगिन का वायदा करके इस गधे के साथ लगन कर रही है? आए पन माजा इज्जत आबरू का पूरा चक्का चूर किया था तूने। अरे वाह सुजाता वाह, मान गया भाई मान गया, क्या नेशनल इंटेग्रिटी निभाई है तुमने, हर प्रांत का एक एक बॉयफ्रेंड, कमाल है भाई। बेवफा, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, 6 लीटर चाय पी ली मैंने, सुसाइड करने के लिए पंखे को लटक गया, और तू निकल जा मेरी नजरों के सामने से। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। बस वही डायलॉग मत दोहराओ, निकल जा मेरे सामने से, निकल जा। लेकिन गुल्लू, देख एपिसोड खत्म होने को आया है, निकल जा प्लीज प्लीज। बाबू मुशा है, अभी जास्ती रोने का नहीं, हाँ नौकरा नहीं मांगता है, ये लो तुम्हारा टाका और जाओ। हाँ रोशो रसगुल्ला खाओ, जाओ जाओ। ओ पापा जी, ए जी तोड़े पैसे, मुर्गा शुर्गा खाओ, ऐश करो जी, ऐश करो, जाओ। जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। आणि हरी भाऊ सरडे, ये तुमचा परडे घ्या आणि झुणका भाकर खा जा। झुणका भाकर खाने के लिए इतने पैसे? वो तो 50 पैसे में मिलता है। तो ये असली नहीं थे, सब भाड़े के थे। अपने जीजा जी का क्या बिगड़ा था जो उन्होंने मेरी शादी बिगाड़ दी। डोंट वरी मेरे भाई, हम फिर से इश्तेहार देंगे। हाँ, स्फूर्तिला गशीला खूबसूरत नौजवान गल्लू।